बढ़ते आगे जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज सुबह दोबारा मस्जिद सर्वे टीम संभल भेजी गई, जबकि सर्वे पहले ही हो चुका था। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक झड़प हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, एक युवक की मौत भी हुई है। सरकार, प्रशासन और बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि इस दौरान उपचुनाव में हुई अनियमितताओं पर कोई चर्चा न हो सके। चुनाव के दिन लगातार बहुत सारे वीडियोज मिल रहे थे जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे और सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों जानकारी दी जा रही थी। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों कराई सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के? कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और जब कभी भी निष्पक्ष जांच होगी, जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोज जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता, बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। जिस जीत के पीछे छल होता है वो दिखावटी जीत का छलावा होता है, जो सबसे ज्यादा उसी को छलती है जिसके छल करके जीत का नाटक रचा है। ये पूरा नाटक है इनका, भारतीय जनता पार्टी का।